जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। जो आपके लिए पॉजिटिव है सिर्फ वो ईश्वर आपको दें, जो नेगेटिव है वो ईश्वर आपको बिल्कुल भी ना दें। हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा, क्योंकि आज का टॉपिक है महादेव का संदेश। बहुत सारे लोग यहाँ पर महादेव के भक्त हैं, तो जानना चाहते हैं। पर्सनल भी मैसेज आ रहे थे, लोगों के कमेंट में भी मैसेज आ रहे थे कि दी महादेव का संदेश दीजिए, कि महादेव क्या कहना चाहते हैं, महादेव कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। स्पेशली जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं उन्हें महादेव क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो देखिए, हमने दो प्यारे से ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, जो पाइल, जो पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। आप महादेव से प्रार्थना करिए कि महादेव आपको सही रास्ता दिखाएं, और एक पाइल चूज़ करिए। हमें पूरा विश्वास है महादेव हमारे द्वारा आपको कोई ना कोई संदेश ज़रूर देंगे। और अगर जो पाइल आपने चूज़ किया था वो आपसे मैच ना हो, किसी भी वजह से आपको लगता है कि इसमें बताई गई बातें आपसे मैच नहीं हो रही हैं, तो आप दूसरा पाइल भी सुन लीजिए। चलिए, इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से भजन के साथ करते हैं, ठीक है? हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन के अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तो डियर, आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए, देखिए कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, और रीडिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर वन, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111111 में। महादेव आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं?
महादेव का संदेश सुनने से पहले आप ये जान लीजिए कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जिसे ट्विन सोल जर्नी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले महादेव का संदेश हम बाद में देंगे, आपके करंट कंडीशन की बात करेंगे जो प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में आप किसी सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं। आपको पता है कि सच ये नहीं है, लेकिन आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। जो सच है उसे देखकर भी आप अनदेखा कर रहे हैं। क्यों? कब तक आप झूठी चीज़ों के पीछे भागेंगे? कब तक? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल हैं, फिर भी आप उन्हें क्यों पॉसिबल करना चाहते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच नहीं होती हैं, लेकिन दूर से वो सच दिखाई पड़ती हैं। जैसे होता है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही आपकी ज़िंदगी है। ईश्वर आपके सामने कुछ चीज़ों की सच्चाई लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कह रहे हैं मुझे मानना ही नहीं है, मुझे मानना ही नहीं है। कब तक ऐसा करके आप किसे धोखा दे रहे हैं? खुद को ना। फिर कल को आप ईश्वर को ब्लेम भी करेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ईश्वर जब आपको रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो आप समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? आप एक ऐसी यात्रा पर हैं जहाँ पर आपको अकेले ही चलना है, कोई साथ नहीं देगा आपका, कोई भी नहीं। आप आए भी अकेले थे, आपको रहना भी अकेले है और आपको यहाँ से जाना भी अकेले है। फिर क्यों क्यों अकेलेपन से इतना मुँह छिपाते हैं आप? क्यों घबराते हैं आप अकेले होने से? क्यों डरते हैं आप अकेले होने से? ये बताइए। आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं, और जो है आपके लिए, जो आपके लिए बनी है, वो ईश्वर आपको दे रहे हैं तो आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही चल रहा है, आपको कोई ऑफर मिल रहा है कि ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, आपके करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी परिवार को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। आपका ध्यान कहीं और है, किसी और की तरफ है, किसी और के पीछे भाग रहे हैं आप, लेकिन आपको ईश्वर कुछ और देना चाहते हैं, पर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। ये मत करिए, वरना आपको बहुत पछतावा होगा बाद में। जो सच्चाई है उसका सामना करिए, झूठी चीज़ों के पीछे मत भागिए। अभी आप जो कन्फ्यूज़न की स्थिति में है ना, बहुत ज़्यादा द्वंद की स्थिति में है आप में से बहुत सारे लोग, कि क्या करें क्या करें, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, किन्हीं दो चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ये करियर भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपका परिवार भी हो सकता है। आप अपने आप समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इतना परेशान होने की बजाय कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं किसे चूज़ करूं, आप इतनी पावरफुल सोल हैं, इतनी ओल्ड सोल हैं, इतनी पावरफुल सोल हैं कि आप एक बार आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे ना, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ये समझ लीजिए। और आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी बात के लिए फोर्स किया जाता है कि अपना आत्मिक विकास करिए, अपना आत्मिक विकास करिए। अभी आपकी लाइफ में किसी चीज़ का अंत हुआ है, लेकिन आप इस अंत से घबरा क्यों रहे हैं? इस अंत के बाद एक शुभ आरंभ भी होना है, एक शुभ आरंभ भी होना है, ठीक है? तो उस शुभ आरंभ का स्वागत करिए, जो ख़त्म हो गया है, जो आपकी ज़िंदगी से चला गया है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपकी बहुत अच्छी आदत है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन कभी कभी जिन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप उनसे अट्रैक्ट होकर उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर आप उन पर दिलो जान लुटा देते हैं। ये कमी है आपकी, आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आपको लगता है कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, आप जस्टिस लवर इंसान है ना,
तो फिर आपके साथ धोखा हो रहा है, बार बार धोखा हो रहा है, फिर भी आप क्यों उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? आप ये जानते हुए कि धोखा मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, तो फिर छोड़िए और लाइफ में आगे बढ़िए। सिर्फ यही थोड़ी ना है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। आपको झूठ से सख्त नफरत है, आपको झूठ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, आप बहुत दयालु हैं, बहुत इमोशनल हैं, आप हमेशा सबकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, सबकी फिक्र करते हैं, पर लोग आपकी फिक्र नहीं करते हैं। तो आपकी फिक्र कौन करेगा? आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना। आपको स्वयं की फिक्र करनी है या नहीं? आपको अपने सोल पर्पस के बारे में सोचना है या नहीं? महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। इस एनर्जी से निकलिए। एक बार अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखिए। एक बार पूरी तरीके से सरेंडर करिए और अपने करियर पर फोकस करिए। फिलहाल अपने इनर वर्क पर फोकस करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और आप जिस चीज़ के बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो रहे हैं ना, लाइक यूनियन, मस्कुलाइन फेमिनाइन से यूनियन, यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यूनियन तो अपने टाइम पर ही होगा, यूनियन सही टाइम पर ही होगा। इनर वर्क कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये आप तय नहीं करेंगे, ये कौन तय करेगा? ये एंजल्स तय करेंगे, आपके स्पिरिट गाइडर तय करेंगे कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या अभी भी कुछ बाकी है। आपको लगता है कि आपने 4 दिन मेडिटेशन कर लिया तो आपको लगता है कि भाई अब मेरा यूनियन होना चाहिए? आप कौन होते हैं? आपको क्या पता कि इनर वर्क कैसे कंप्लीट होता है? आपको क्या पता? नहीं पता ना। तो उनके हिसाब से चलिए। और आपकी ज़िंदगी में किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे हैं, तो आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं, सबसे पहले आर्कएंजल माइकल आपसे कहना चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर, आप जिनसे भी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। बस आप खुद को सरेंडर कर दीजिए, अपनी मत चलाइए। जब एक बार समर्पित कर देंगे ना, फिर आप चमत्कार देख लेना, फिर आप मिरेकल देख लेना। जब तक आप अपने हिसाब से चलेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होना है। ये स्पेशली महादेव आपसे कहना चाहते हैं। अपने रिश्तों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाइए, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। आपकी आत्मा आपको कुछ सिखा रही है, कुछ दे रही है, उसे स्वीकार करिए। लेकिन आप तो ज़िद्द पर अड़े हुए हैं, जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है उनके पीछे भाग रहे हैं, जो आपके लिए बनी है उनको इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है। यहाँ पर पता है महादेव के साथ साथ राधा रानी आपसे कहना चाहती ना, अगर आपको अपने रिश्तों में बैलेंस क्रिएट करना है ना, तो पहले आपको उस लायक बनना होगा, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना होगा, आपको अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना होगा, तभी आपका यूनियन हो सकेगा, तभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकेगा। और जो लोग अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे भी महादेव बोलना चाहते हैं। उनसे क्या बोलना चाहते हैं महादेव? महादेव कहना चाहते हैं कि लाइफ में जो बुरा एक्सपीरियंस है ना, बुरा एक्सपीरियंस है, उससे सिर्फ एक सीख लीजिए कि आगे चलकर आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। लेकिन उस बुरे एक्सपीरियंस को अपने साथ इस तरह मत चिपका लीजिए कि वो आगे चलकर आपका फ्यूचर भी नष्ट कर दे। कुछ लोगों के साथ एक बार गलत हो जाता है ना, तो वो पूरी ज़िंदगी हर किसी को उसी नज़रिए से देखते हैं। हर इंसान तो एक जैसा नहीं है ना, हमेशा तो एक जैसा सब कुछ नहीं होता रहेगा। तो उस बुरे अनुभव को उससे सिर्फ एक सीख ले लीजिए कि आपको दोबारा गलती नहीं करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान एक जैसा है। जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें वही छोड़ दीजिए, उन्हें हमेशा के लिए साथ लेकर मत चलिए, वरना कोई भी रिश्ता आपका अच्छा नहीं बन पाएगा। चाहे वो रिश्ता आपके बॉस के साथ हो, चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो। जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। जो बुरे अनुभव होते हैं, हमने सीख लिया, अब हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं कि उसी बात को लेकर हम बैठे हुए हैं।
उसे रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। आपको अपने कर्मों की शुद्धि करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन आता है, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन करिए और क्लियर बात करना सीखिए, लोगों से क्लियर बात करना सीखिए। हेजिटेशन ख़त्म कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूरतमंदों की मदद करिए। जो ज़रूरतमंद है ना, उनकी मदद करिए, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी आपको। हाँ देव, आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में तो सेलिब्रेशन होने वाला है। आप खामखां बेकार की चीज़ों में उलझे हुए हैं। कभी कभी ना हम दूर का देखने के चक्कर में पास का देखना भूल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या नहीं है, हम उसे देखने के चक्कर में जो हमारे पास होता है ना, हम उसे इग्नोर करने लगते हैं। और एक दिन वो आता है जब हम उसे इग्नोर करते करते हमेशा के लिए खो देते हैं। तो उनके चक्कर में जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, जो नेगेटिव थे, जो टॉक्सिक थे, उनके चक्कर में अपने अपनों को इग्नोर मत करिए, वरना एक दिन आप इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। ध्यान रखना, हर रिश्ता बहुत अनमोल होता है और स्पेशली फैमिली। तो थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को भी दीजिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ी सी इम्पॉर्टेंस उन्हें भी दीजिए। और जो लोग आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, तो उनसे महादेव कह रहे हैं कि आप थर्सडे वाले दिन अगर आपके आसपास कोई नदी है तो आप मछलियों को दाना खिलाइए, ठीक है। मछलियों को दाना खिलाने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, और जिससे वो आपकी लाइफ में जो भी आर्थिक स्थिति है, जो भी फिनेंशियल इशू चल रहे हैं, वो उन्हें ख़त्म करती हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए महादेव का संदेश। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। महादेव आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? महादेव आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं महादेव आपको? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें रिश्वत दे दीजिए, उसके बाद ही बताएंगे हम। ढेर सारी रिश्वत चाहिए, ढेर सारी। और आपको लिखना पड़ेगा कि आपने पाइल नंबर 2 चूज किया था। डियर, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। ये समझ लीजिए आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है, सारी विशेष पूरी होने वाली है। और ईश्वर आपसे इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है कि हम बता नहीं सकते। अब जल्दी से बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने खुद को सरेंडर कर दिया है, बहुत सारे लोग अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हेल्पलेस लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपकी लाइफ में तो मैजिक होने वाला है, मिरेकल होने वाला है, ये समझ लीजिए। आपके जो भी ड्रीम्स थे ना, आपके जो भी सपने थे ना, आपके जो भी गोल्स थे, जो भी था, ये समझ लीजिए वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। आपके सपने सच होने वाले हैं। बस इसी तरह उन पर फोकस बना कर रखिए, इसी तरह उन्हें मैनिफेस्ट करते रहिए। वो दिन दूर नहीं है जब धीरे धीरे करके आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, चाहे करियर से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। आपके ख्वाब हो किसी को पाना, आपका ख्वाब हो कोई अच्छा सा बड़ा सा घर खरीदना, आपका ख्वाब हो कोई महंगी सी कार खरीदना, आपका ख्वाब हो किसी के साथ किसी लंबे ट्रिप पर जाना, आपका ख्वाब हो कुछ भी हो, आपके ख्वाब, आपके सपने, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं और ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। ये समझ लीजिए कि ईश्वर आपको कोई स्ट्रेंथ देने वाले हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलने वाली है आपको। आपको सडनली एक ग्रोथ नज़र आएगी, एक ग्रोथ नज़र आएगी पॉजिटिव तरीके की, आपके करियर में भी, आपकी लव लाइफ में भी। अभी तक कुछ समय पहले चीज़ें रुकी हुई थी, आपको लगता था कि
आपके साथ के जो लोग थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और मैं ही यहाँ पर क्यों अटका हुआ हूँ। अब बार बार ईश्वर से बोल रहे थे, आप एक पॉजिटिव सोल हैं, आप एक ऐसी आत्मा हैं जो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, आप ईश्वर पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप ना अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से उन पर समर्पित कर चुके हैं, आपको लगता है कि वो जो भी करेंगे वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, आपने हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखा है। तो डियर, ये आपके विश्वास का ही फल है। अब देखिए आपको डेली क्या करना है, आपको डेली सोते टाइम डेली ईश्वर को थैंक यू बोलना है। देखिए दिन भर में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, तो आपको एक प्रेयर है उसे बोलते हैं हो पोनो पोनो, ठीक है, हो पोनो पोनो प्रेयर बोलते हैं उसे, तो आपको वो करके सोना है, ठीक है। डेली रात में आपको बोलना है ईश्वर से, क्या बोलना है, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी मतलब पता नहीं दिन भर में मुझसे कितनी गलतियां हो गई हैं, जाने अनजाने पता नहीं कितनी चींटियां मर गई हैं, कितने जीव जंतु मर गए हैं, जाने अनजाने पता नहीं शायद मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो, शायद मैंने झूठ बोला हो किसी मजबूरी में आकर, किसी भी बात के लिए जो भी मुझसे गलती हुई है, तो प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए और थैंक यू मुझे इतना कुछ देने के लिए, इतना कुछ देने के लिए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतना कुछ दे देंगे, आपने इतना सब कुछ मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, फिर आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना, प्लीज़ यूं ही मेरा हाथ पकड़ कर चलना, मुझे सही रास्ता दिखाना, इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहीं भटक ना जाऊं, इस भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं, इस वजह से मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो डेली आपको होपोनो पोनो प्रेयर करके सोना है, ओके, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू, ठीक है, ये आपको बोलना है। देखिए वैसे तो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है और आपका प्यार आपको मिलने वाला है, जो प्यार आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपको आपके प्यार ने ना इधर कर रखा था ना उधर कर रखा था, ना आ रहा था ना जाने दे रहा था, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा था, मतलब कि वो कुछ क्लियर कर ही नहीं रहा था जिसके भी साथ आप रिश्ते में थे। तो डियर अब आपको आपकी लव लाइफ में क्लियरिटी मिलने वाली है और ये महादेव की ब्लेसिंग है आपके लिए, संभाल कर रखिए, महादेव का आशीर्वाद है आपके लिए। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हो वाइफ हो, आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे किसी भी वजह से, तो ये समझ लीजिए कि अब आपके रिश्तों में बहुत प्यार बढ़ने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है, आपके लिए भी ईश्वर की ब्लेसिंग है ये, मतलब कि आपका भाग्य अब आपके साथ है, पूरी तरीके से आपके साथ है, बस रिश्तों में थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी है आपको। महादेव स्पेशली आपसे कहना चाहते हैं बाकी तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इमैच्योरिटी मत दिखाना। कैसी इमैच्योरिटी, बांध कर रखने की कोशिश मत करना किसी को भी, प्रेम परम स्वतंत्र होता है। अगर आपने किसी को बहुत प्रेम दे दिया, बहुत प्रेम, आप उसके सामने निछावर हो गए, समर्पित हो गए, सरेंडर हो गए पूरी तरीके से, और आपने उसकी स्वतंत्रता छीन ली, आपने उस पर हुकूमत करना शुरू कर दिया कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, किससे बात करोगे, सब आप तय करते हैं, तो वो इंसान आपसे 4 दिन बाद नफरत करने लग जाएगा, ये समझ लीजिए। स्वतंत्रता हर चीज से प्यारी होती है, हर एक चीज से ज़्यादा कीमती होती है, कोई भी हो। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्हें बद्दुआ देते हैं, चिढ़ते हैं, क्योंकि वो उन्हें स्वतंत्रता नहीं देते अपने मोह के कारण, वो जो करना चाहते वो उन्हें करने नहीं देते थे, और फिर माता पिता ज़िंदगी भर साथ थोड़ी ना बैठे रहते हैं,
इस वजह से आप जिनसे भी प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्रता दीजिए, वो पूरी उम्र पूरी जिंदगी आपसे प्यार करेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें प्यार बहुत दिया और उनकी स्वतंत्रता छीन ली, उनकी फ्रीडम छीन ली, तो वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, वो आपसे घृणा करेंगे, वो आपसे नफरत करेंगे। तो प्लीज़ प्रेम के पात्र बनिए, घृणा के पात्र मत बनिए, ठीक है। और महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसी सोल हैं जिनका हार्ट चक्र अवेकन है, आपके अंदर बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं ऐसे, जिससे आप बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं लोगों का। तो महादेव चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस लोगों को बांटें, आप अपना एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करें। हो सकता है कि आप मोटिवेशन का काम करते हों, हो सकता है कि आप कोई मोटिवेशन स्पीकर हों, आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हों, आप कोई टीचर हों, आप कोई गाइडर हों किसी भी तरीके के, ठीक है। तो महादेव यही चाहते हैं कि आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप लोगों को सही रास्ता दिखाइए, उन्हें प्रेरणा दीजिए। आप ऐसा करेंगे ना तो इतनी सारी पॉजिटिव आत्माओं का प्यार आपको मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और फिर हमने 100 बात की एक बात कही, आपके जो भी सपने हैं ना, करियर से रिलेटेड हो, आप बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, जॉब करना चाहते हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्द महादेव पूरा करने वाले हैं। डिवाइन आपकी हीलिंग कर रहे हैं, क्या बात है, डिवाइन आपकी हीलिंग कर रहे हैं, डिवाइन आपको रिचार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो गए थे शायद आप, तो डिवाइन आपको चार्ज कर रहे हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं, और सारी पॉजिटिव स्पिरिट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अंधकार से निकाल कर लाइट की ओर ले जा रही हैं, प्रकाश की ओर ले जा रही हैं। इस वजह से सारी स्पिरिट्स आपसे कहना चाहती हैं कि अब तक आपने सब कुछ ईश्वर के हिसाब से किया है, तो आगे भी आपको सब कुछ ईश्वर के हिसाब से ही करना है। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, तो हो सकता है कि उनमें उनके मन में कभी ये भाव आ जाता हो कि दुनिया बेकार है, ग्रस्त जीवन बेकार है, सब बेकार है, और सबसे मोह नहीं रखना चाहिए, अनाशक्ति रखनी चाहिए। तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं, अनाशक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप भगोड़े बन जाएं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना करें, उससे भागें नहीं, उससे मुंह ना छुपाएं, और गृहस्थ में रहकर ही साधना करें, मेडिटेशन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने कर्तव्यों से मुंह ना छिपाएं, भागें नहीं, ठीक है। ये है अनासक्ति का मतलब, उनसे आसक्त मत होइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पूरी करिए, ठीक है। और जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं ना, वो बाहर नहीं, आपको आपके अंदर ही मिलेगा, आपके अंदर ही मिलेगा। अगर आप हिमालय भी भाग कर चले जाएंगे ना, तो भी वो आपको हिमालय में नहीं, उसे आपको अपने भीतर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, बस आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डियर, ये है आपके लिए महादेव का मैसेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।